नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भिवानी में दो नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 79 हो गई है। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चर्च में मनाया गया क्रिसमस डे। प्लाजा पर बैठे किसान कितलाना टोल प्लाजा को फ्री कराने की रखी मांग। बदली जा रही है बेटे को कुलदीपक मनाने वाली प्रथा। 180 घरों के बाहर लगाई गई बेटियों की नेम प्लेट। जज बनकर लौटे प्रवीण पंगाल का क्षेत्रवासियों ने किया स्वागत, दी बधाइयां। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में दो नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 79 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में अब तक 6209 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं चार लोगों के ठीक होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या 5992 हो गई है। शुक्रवार को पंडित मदनमोहन मालवीय व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भिवानी में सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम को सीधा प्रसारण में दिखाया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी के लिए आदर्श हैं। दोनों ही महान देशभक्त और महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश हित के लिए जीवन भर कार्य किया। कृषि मंत्री शुक्रवार को पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम पर बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया गया। आज पूरे हरियाणा के अंदर महामना मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, कार्यक्रम हुए और उसी श्रृंखला में लोगों को सुविधाएं देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ई गवर्नेंस का एक सिस्टम लागू किया है, जिससे कि जन साधारण को बगैर किसी दफ्तरों के चक्कर काटे, बगैर भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के, उसका जो हक है वो उसको मिले और इसका बहुत सारा लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विभागों को इनाम भी दिए हैं, जिसमें मेरा विभाग हॉर्टिकल्चर है, उसको भी इनाम मिला है। हमने भी ई गवर्नेंस में अच्छा स्थान रखा है और आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपये सीधे बटन दबाकर भेजे हैं और आज तक 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा किसानों के खाते में जा चुका है। बहुत बड़ी राशि, हालांकि थोड़ी थोड़ी लगती है, लेकिन केंद्र सरकार की इतनी बड़ी राशि बगैर किसी बिचौलिए के सीधे खाते में गई है और उसका लाभ हरियाणा को भी मिला है। हरियाणा के भी हमारे
लाखों लगभग 18 लाख किसानों को 2000 रुपये मिले हैं। भिवानी के 1 लाख से ज़्यादा किसानों को लगभग 250 करोड़ रुपए मिले हैं और कुछ किसान टेक्निकल वजह से कुछ स्पेलिंग गलत है या फार्म भरने में गलती है, कुछ डॉक्यूमेंट जमा डॉक्यूमेंट में कमी है, तो अगले हफ्ते कैंप लगवाकर जो 10-12 हज़ार किसान वंचित रह गए उनको भी हम उनके रिकॉर्ड को ठीक कराकर ये पैसा भिजवाएंगे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार है, किसान के लिए एक से एक बढ़कर फैसले लिए जा रहे हैं और हरियाणा सरकार भी उनकी इन्हीं नीतियों पर चलते हुए पूरे किसान वर्ग को समर्पित है। एक बार पैसा मिला और इससे आपको क्या लाभ हुआ? दो बार पैसा मिला, दोनों बार उनका DAP यूरिया खरीदा। तो इससे आपकी सरकार की इस योजना से आपको क्या फायदा हुआ? यही फायदा है भाई, हमारी किस्त हो रही है, किसान ही थोड़ी घनी सुनाई हो रही है। शुक्रवार को विभिन्न धर्मों से जुड़े नागरिकों ने नया बाजार स्थित चर्च में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भगवान ईसा मसीह का जन्म धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर चर्च के पादरी प्रकाश मसीह ने भगवान ईसा मसीह के द्वारा दी गई निस्वार्थ भाव से सेवा व प्रेम भाव इत्यादि की शिक्षाओं का अनुसरण करने का संदेश दिया। यीशु मसीह पूरे विश्व में प्रेम, सच्चाई, बलिदान और सेवा करने की शिक्षाएं अपने जीवन काल में फैलाई, जिसके चलते 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस को पूरा विश्व क्रिसमस डे या बड़े दिन के रूप में मनाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी के बैप्टिस्ट चर्च में क्रिसमस डे के अवसर पर ईसा मसीह को याद में प्रार्थना का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं को मिठाइयाँ बांटी गई। श्रद्धालुओं ने चर्च में ईसा मसीह को याद करते हुए मोमबत्तियाँ जलाई और उनकी शिक्षा पर चलने की प्रेरणा ली। हालांकि कोविड महामारी के चलते अब इस बार चर्च में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया और चुनिंदा लोगों की ही मौजूदगी में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। निकिता, आज क्रिसमस है एंड हम चर्च में आए हैं प्रे करने, बट बिकॉज ऑफ कोरोना हम अंदर जाकर प्रे नहीं कर पा रहे हैं। गेट्स आर क्लोज्ड एज यू कैन सी। थैंक यू। मोहित डैनियल है और इस साल 25 दिसंबर को चर्च में क्रिसमस का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है। अभी चर्च में प्रार्थना हो चुकी है और आम जन के लिए जो चर्च का था अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा हमने इसको खोला है और नगरवासियों को सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 2 बजे के बाद चर्च को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और मोमबत्ती के लिए बाहर इस पर रख दिया है और कोरोना की वजह से इस वक्त हम लोग ज़्यादा मतलब वो नहीं कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले लोगों में। दिन खुदावन ने बनाया है और हम आज सब यहाँ एकजुट हुए हैं दुआ बंदी करने के लिए। कोरोना काल का टाइम है इसलिए सब बाहर से दर्शन कर रहे हैं। दादरी रोड पर कितलाना के निकट स्थित टोल प्लाजा को अनेक किसान संगठनों ने पहुंचकर 3 दिन के लिए टोल फ्री करवा दिया है। यह कहना है किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसलिए यह कदम उठाया गया है। किया गया था 25, 26, 27 दिसंबर को हरियाणा के सभी टोल फ्री किए जाएंगे और उसी कड़ी में उसी का पालन करते हुए भिवानी और दादरी दोनों जिलों के सभी किसान संगठन, सभी सामाजिक संगठन और सभी खापे ने मिलकर के ये टोल फ्री किया और ये 27 तक फ्री रखा जाएगा। टोल तो जी मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि जब किसान आ गए, जबरदस्ती करने लगे तो करना पड़ा क्योंकि हम तो वैसे ही घाटे पे चल रहे हैं। यहाँ ज़्यादा ज़्यादा 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, वो भी शायद पूरे नहीं होते। लेकिन अभी पिछली बार भी आए तो मजबूरी में करना पड़ा, हम तो नहीं चाहते थे। और आज इसमें नुकसान सिर्फ हमारा है, आज भी है कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन ये जबरदस्ती करने लगे तो मजबूर हो गए। इनके साथ में अभी अब चारा भी नहीं चलता, जनता के साथ तो रहना पड़ेगा। बेटियों का सम्मान प्रदान करने के लिए बदल रहा है सामाजिक नजरिया। निकटवर्ती गांव निनान में मिली बेटियों को विशेष पहचान। बतौर कुलदीपक गांव के 118 घरों के बाहर लगाई गई बेटियों के नेम प्लेट, यह कहना है महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी परिणीता गोस्वामी का। उन्होंने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष प्रदीप कौशिक व CDPO दीपिका बजाज के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। बेटा ही परिवार का कुलदीपक है, ये मानने वाली सोच अब बदल गई है। अब बेटियां भी घर का चिराग बन रही हैं। शहर से करीबन 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव निनान को बेटियों के नाम से पहचान मिली है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गांव में 180 घरों के बाहर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई। अपने नाम की नेम प्लेट लगने से बेटियों के साथ साथ उनके माता पिता भी खुश नजर आए।
उल्लेखनीय है कि लड़कियों के प्रति समाज की पुरानी सोच बदलने और कन्या भ्रूण हत्या का जड़ मूल से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा में भी जागरूकता अभियान चलाए गए जिसको बड़े ही रोचक परिणाम सामने आए। एक तरफ जहां लिंगानुपात में सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर बेटियां हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ही कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना ग्रामीण प्रथम द्वारा गाँव में एक विशेष अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान बेटी वाले घर के बाहर उसके नाम से प्लेट लगाई गई। राम कुमार मांगेराम भगवती गाँव से सरकार ने जो अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत, हम सरकार का इस अभियान के तहत बड़ी ही सराहनीय काम किया है सरकार ने और हम बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारे पंचायत के पंच रणजीत ने भी सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से बेटी के नाम से घर पे प्लेट लगाई है और इसमें हमारी आंगनबाड़ी वर्कर भी अच्छा काम कर रही हैं और पूरा डीसी साहब भिवानी के और सीईओ साहब प्रदीप कौशिक जी सभी बड़े मिलजुल कर इनके योगदान से हमने 180 गांव में प्लेट लगवाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों के नाम से। और हम माँ बहन की बेटी की इतनी इज्जत करते हैं जितनी बेटों की इज्जत करते हैं, उनसे कहीं गुना बेटियों की इज्जत करते हैं और इस काम में हम सरकार का दिन दोगुनी रात चौगुनी साथ देंगे। निनाड़ गाँव से हूँ, हमने अपने सरकार के तहत भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हमने जो सरकार ने अभियान चला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने अपने मकान पे नेम प्लेट भी बेटी के नाम पे लगा है बेटी की जगह, हम बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझते। मेरा नाम राजवाला है, मैं गाँव निनाड़ से हूँ, एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हमने अपने गाँव की औरतों को जागरूक करने के लिए कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को अहमियत देनी चाहिए, इनका विकास करना चाहिए, बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। हमारी गांव की औरत हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से बहुत जागरूक है और खुश भी है। हमने अपने गांव के अंदर 180 नेम प्लेट लगवाई है बेटियों के लिए। शुक्रवार को घंटाघर के निकट स्थित गुरुद्वारे में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए संत राम सिंह व अन्य किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने शहीद हुए किसानों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। ये संत बाबा राम सिंह जी जो सिंघाड़ा वाले थे संत जी, उनकी याद में उनकी डेथ हुई है तो उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा आज मनाई जा रही है, सारे देश में मनाई जा रही है वैसे तो। और हमारे हरियाणा से बिलोंग करते थे करनाल जिले से, इन्होंने अपना जो संतों का सेवा है नानक सर गुरुद्वारे से शुरू करी थी और उसके बाद इन्होंने सिंघाड़ा करनाल में अपना अलग डेरा बना लिया और यहाँ प्रचार करते। और अब जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है इसमें बड़ी उन्होंने जाकर दान पुण्य करा और उनसे दुखी आ गए किसानों का हाल देख के, तो उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली और शरीर को निछावर कर दिया देश के लिए किसानों के लिए। और सुसाइड नोट में लिख के गए हैं स्पेशल अपने हाथ से कि मैं किसानों के लिए कर रहा हूँ। और बाकी 41 किसान भी शहीद अभी तक हो गए हैं, हमारे भाई हैं वो भी, और इस देश के लिए और अपने किसान भाइयों के लिए। जो भिवानी के गुरुद्वारा के अंदर सभी लोग इकट्ठे हुए और विशेषकर हम सरदार हमारे गुरु राम सिंह जी जो सर अपने इस परंपरा को बढ़ा रहे हैं, उनके इस शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि सभा आज आयोजित की गई, जिसके अंदर विशेष रूप से हम सभी उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देंगे जो वहाँ अपनी मांग के लिए जो सीमा पर दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं। गुरुद्वारे के अंदर कार्यक्रम सिंह साहिबान द्वारा रखा गया है, वो सरदार राम सिंह जी नानक सर वाले जिन्होंने दुखी होके किसानों को देखकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में इसी ऐसी ठंड में और उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सदस्यों ने महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। वहीं इस अवसर पर पहुंचे सदस्यों ने महाराजा सूरजमल को हिंदुत्व को बढ़ावा देने व एक धर्म प्रेमी राजा बताया।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज बीटीएम चौक के नजदीक जाट धर्मशाला में महाराजा सूरजमल का 256वां बलिदान शौर्य दिवस मनाया गया। महाराजा सूरजमल एक हिंदू सम्राट थे। वे गौ भक्त होने के साथ साथ धर्म प्रेमी थे। उन्होंने हिंदुत्व के लिए युद्ध किए और हमारे मंदिरों और मठों की रक्षा की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि महाराजा सूरजमल अंतिम हिंदू सम्राट हुए। साथ ही सदस्यों द्वारा घोषणा की गई कि शहर में जब भी कोई किसी महापुरुष हिंदू सम्राट की युग पुरुष की जयंती आएगी, हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मनाई जाएगी। ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम किया और उसी पर अपना जीवन पूरा कर दिया, तो आज उनकी जयंती का एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया गया है। मानता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को जो राजा रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज में बुराइयों को मिटाने के लिए और सनातन धर्म की बढ़ोतरी के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम किया है, उनको याद करा जाना चाहिए, चाहे बलिदान दिवस हो चाहे जयंती दिवस हो। 256वीं महाराजा सूरजमल जी की जयंती विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मना रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे जो संगठन है जो हिंदू के तो के बढ़ावा दे रहे हैं। और राजा सूरजमल ने 36 बिरादरी के, उस टाइम मुगल थे, अफगानी आए थे, एकला ऐसा महाराज था हिंदू महाराष्ट्र के जिसने ने उनको हराया, हराने का काम किया था। और उस टाइम मुगल के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। तो ऐसी जयंती से आने वाली पीढ़ी है वो सबक लेगी, उनको पता होना चाहिए कि महाराज सूरजमल ने कितना हिंदुत्व को बचाने के लिए अपना प्रयास किया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज भिवानी शहर में हमारे जाट धर्मशाला के अंदर सामाजिक समरसता के तहत महाराजा सूरजमल की 256वां बलिदान दिवस शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है। महाराजा सूरजमल एक हिंदू सम्राट थे, गौ भगत थे और धर्म प्रेमी थे। उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए जितने विदेशी आक्रमणकारी मुगल आए उन सब से टक्कर ली, लोहा लिया और हमारे मठ और मंदिरों की रक्षा की। दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति प्राप्त करने के बाद भिवानी पहुंचे होनहार सपूत प्रवीण पंघाल का शुक्रवार को भिवानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विद्यानगर निवासी सत्यवान पंघाल के सपूत की इस विशेष उपलब्धि पर भिवानी वासियों को गर्व है। वहीं उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट से जज बनकर भिवानी लौटे प्रवीण पंघाल का शुक्रवार को विद्यानगर में क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उनके परिवारजनों ने कहा कि प्रवीण बचपन से ही मेहनती था, आज उसी का परिणाम है कि वो अपनी कलम से दूसरों को इंसाफ दिलाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भिवानी के विद्यानगर सत्यवान पंघाल के बेटे प्रवीण पंघाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतर्गत दिल्ली रिजर्वेशन के 8वें स्थान प्राप्त कर इस परीक्षा को पास किया। उनकी इस उपलब्धि पर बधाई के लिए उनके घर लोगों तांता लगा रहा। उनके पिता ने बताया कि प्रवीण ने इस पद को पाने के लिए खूब मेहनत की और उनकी मेहनत सफल हुई, जिसके चलते आज घर में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर लोगों को लड्डू बांटे गए और खुशी मनाई गई। बड़ी खुशी की बात है, इसने बड़ी मेहनत की है और उसका नतीजा आज आपके सामने है। तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया इसने और इसके परिणाम प्रवीण और मेरा बेटा शुरू से ही बहुत मेहनती था, उसने पढ़ाई के अलावा उसका कोई शौक नहीं था और आज वो पढ़ाई की बदौलत दिल्ली जज बन गया है। उसने बहुत मेहनत की शुरू से और उसके चाचा ताऊ उनका सबका, पापा का, उनका सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था उसको, इसलिए आज उन्होंने ये रैंक, एक रैंक हासिल की है। मैं प्रदीप भाटिया, आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरा भाई बड़ा प्रवीण पंघाल दिल्ली जुडिशियल की परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त करके गांव का इनाम नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। इसीलिए आज सभी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और हम बहुत ही भाई का आभारी रहेंगे कि पूरी उम्र उन्होंने हमारा नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भिवानी में दो नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 79 हो गई है। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चर्च में मनाया गया क्रिसमस डे।
खबर बैठे किसान, कितलाना टोल प्लाजा को फ्री कराने की रखी मांग। बेटे को कुलदीपक मनाने वाली प्रथा, 180 घरों के बाहर लगाई गई बेटियों की नेम प्लेट। जज बनकर लौटे प्रवीण पंगाल का क्षेत्रवासियों ने किया स्वागत, दी बधाइयां। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।